पहले बोलते हैं ना, तब क्लास चलेगी तब चलेगी, बीच में बंद हो जाएगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं प्रीवियस क्लास को। उसी में जो आज लोगों की समस्या रही थी वो कि भाई क्लियर नहीं आ रहा, तो शायद आज आपके क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख देंगे, और नेट की प्रॉब्लम है तो नेट वो तो मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है। जब तक चलती है क्लास चलाएंगे, हो सकता है बीच में नेट कुछ डिस्टर्ब करे तो आप समझ लो, ठीक है। अभी क्लियर है सभी के पास। सो क्वेश्चन है, ग्रेसी सोल्ड 6 kg ऑफ स्वॉर्ड फिश, मिनी अर्न हैज अर्न 8 kg as Gracie, how many kg of sardines fish मिनी सेल डिड मिनी सेल। सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। क्वेश्चन है कि भाई ग्रेसी ने 6 kg स्वॉर्ड फिश बेची, मिन्नी ने भी उतना ही रुपया कमाया जितना ग्रेसी ने कमाया, तो मिन्नी ने कितने केजी सार्डिन्स फिश बेची? मींस मिन्नी क्या बेची है? सार्डिन्स फिश। और ग्रेसी ने क्या बेची है? स्वॉर्ड फिश। रेट ऊपर लिखा हुआ है स्वॉर्ड फिश का और सार्डिन्स का। तो पहले हम निकालेंगे भाई ग्रेसी ने कितना कमाया। ग्रेसी अर्न बाई सेलिंग स्वॉर्ड फिश, तो क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या था? रेट इंटू वेट। तो रेट क्या है? 6 kg, वेट क्या है? 60। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना होगा? ₹360 ये रुपीज कमा लिए किसने? ग्रेसी। अब मिन्नी ने कितना कमाया? मिन्नी हैज अर्नड एज मच मनी एज ग्रेसी, मींस मिन्नी ने इज इक्वल टू ग्रेसी अर्न।
ग्रेसी ने कितना कमाया ₹360, यानी कि मिनी ने भी ₹360 कमाए हैं। अब मिनी बेचा क्या, मिनी ने सार्डिन्स, मिनी सोल्ड व्हाट सार्डिन्स फिश, और रेट क्या है सार्डिन्स का, रेट ऑफ सार्डिन्स इज ₹40 a kg। ओके, 1 kg का 40। अब क्या निकालना है, यार साफ दिया है हाउ मेनी केजी, मतलब वेट निकालना है। तो मिनी सोल्ड हाउ मच केजी, रेट वेट निकालने के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट 400 360 डिवाइडेड बाय 40। सो 360 को 40 से डिवाइड कर दिया, 400 49 36 9 kg फिश बेचे। अंडरस्टूड, नोट डाउन कर ले, साथ में सेकंड क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लेना। बशीर हैज ₹100, he spent ¼, he spent ¼ he spent ¼ on of money of money on square and rest ¾ रेस्ट थ्री फोर्थ मनी किस पे करता है वो, फॉर ओन प्रॉन्स, ओन प्रॉन्स। सो क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मच, हाउ मेनी केजी, केजी ऑफ हाउ मेनी केजी ऑफ स्क्वायर ही did he buy? Second question, how many kg of prawns did he buy? नोट डाउन करें ये दोनों क्वेश्चन, करने के बाद लिखेंगे आई हैव डन। ओके,
मैं हमें सब अच्छे से पता है। Okay, so the question is, Basir has 100 rupees amount. He spent 1/4 of money on squid and 3/4 on pearls. So some of you have right the answer, which is correct. Okay, kitna rupya kis pe kharch kiya? So Basir, solution hum karte hain. Basir has rupees 100, ओके, 1/4 ऑन स्क्विड, स्क्विड का ऊपर कितना किया 1/4, सो 1/4 ऑफ 100, सो 100 को 1/4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से यानी डिवाइड कर देंगे, तो 4 2 8, 10 - 8 2 0, 4 5 20, सो रुपीज 25 ही स्पेंड ऑन स्क्विड, ओके, नाउ 3/4 ही स्पेंड 3/4 on prawns, so 3/4 is equal to 3/4 of 100, 3/4 multiplied by 100, चाहे तो 4 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दे 100 को और 3 से मल्टीप्लाई कर दे,
चाहे 300 की डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर दे 300 और डिवाइडेड बाई 4, सो 300 को हम 4 से डिवाइड, 4 7 28, 2 0 एंड 4 5 20, सो रुपीज आ गया 75 crores। ठीक है, लेकिन कहता है क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मैनी केजी ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है हाउ मैनी केजी ऑफ स्क्विड डिड ही बाय। तो पहले हमारे पास स्क्विड का रेट होना चाहिए। स्क्विड का रेट आपको बुक में दिया हुआ है पहले ही, और पहले भी मैं लिखवा चुका हूं। तो रेट ऑफ स्क्विड इज, रेट ऑफ स्क्विड इज रुपीज 50 ए केजी, रुपीज 50 ए केजी, यानी कि एक केजी जो स्क्विड है वो 50 रुपीज की बिकती है। स्क्विड के लिए कितना रुपए अमाउंट दिया उसने, 25 खर्च किया है। तो स्क्विड के लिए उसने 25 रुपीज स्पेंड किया है और 50 ए केजी उसका रेट है। ओके, सो हाउ मच स्क्विड डिड ही बाय, कि वह कितने स्क्विड फिश खरीद पाएगा। तो स्क्विड फिश का जो रेट हमारे पास है, वेट हमने निकालना है। वेट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, पहले हम बता चुके हैं कि वेट निकालने के लिए क्या है, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट। तो अमाउंट क्या है हमारे पास, रुपीज 25 एंड वेट ये, सो बशीर, बशीर बाय हाउ मच स्क्विड, बाय स्क्विड फॉर रुपीज 25, 25 रुपीज के लिए कितने परचेज करेगा, दिस इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 50 अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट, सो 25/50, 25 into 25, 25 into 50 हाफ केजी खरीद पाएगा स्क्विड। ओके, सेकंड पार्ट इसका क्या है, हाउ मैनी केजी ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय, प्रॉन्स का रेट क्या है, रेट ऑफ प्रॉन्स इज रुपीज 150 ए केजी, यही है। अब इस 150 में कितनी केजी प्रॉन्स खरीदेगा, प्रॉन्स का रेट क्या है, अमाउंट कितना है, 75 रुपीज प्रॉन्स के लिए उसके पास कितना अमाउंट है, रुपीज 75। सो बशीर बाय प्रॉन्स फोर रुपीज 75, हाउ मच, सेम जो पहले किया हमने, क्या किया हमने पहले, व्हाट वी हैव डन, अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट, सो अमाउंट इज 75 एंड रेट डिवाइडेड बाय 150, 75/150, दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 25 की में, 25 3 जा 75 और 25 6 जा 150। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 के में, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, सो 1/2 kg प्रॉन्स दे विल बाय। नोट डाउन कर ले इसको। ओके, वेरी गुड।
कुछ बच्चों ने बड़ा अच्छा किया है जो लिख रहे हो आप कि अमाउंट डिवाइडेड बाय वेट, वेरी बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में पेज नंबर 12 पर, प्रैक्टिस टाइम है। ओके सो हम इसको भी करते हैं। ग्रेसी टुक अ लोन, ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 4000 to buy a net. She paid back rupees 345 every month for